स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न सब्जेक्ट स्टैट चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज। लास्ट टाइम टाइम सीरीज में अपने ग्राफिक वाली मेथड देखी, ग्राफ ट्रेन बाय ग्राफ मेथड, और फिर उसके बाद 4.2 देखा था जिसमें ट्रेन बाय ली स्क्वायर मेथड। आज हम देखेंगे ट्रेन बाय मूविंग एवरेज। ये मोस्ट टाइम में मेथड है, 5 मार्क्स में इसका सवाल आता है। अब देखो, फाइंड ट्रेन बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। 3 ईयरली, 4 ईयरली और 5 ईयरली, ये तीन मूविंग एवरेज वाले सम है, इसमें से कोई भी सम बोर्ड में आ सकता है। ये 5 मार्क के लिए मोस्ट टाइम के सम है। अब कितने ईयर की है? फाइंड ट्रेन बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 साल की मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज में पहले दो कॉलम बनाने हैं अपने, 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ये दो कॉलम बना लेंगे और पहले कॉलम और लास्ट कॉलम में डैश कर देगा। फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में डैश कर देगा। 4 ईयरली मूविंग और 5 ईयरली मूविंग में दो पहले दो कॉलम और छले दो कॉलम में डैश कर देगा। ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज है, इसके लिए फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में डैश कर देगा। अब 3 ईयरली मूविंग एवरेज मतलब 3 ईयर का टोटल कर देगा अपने, 3 प्लस 4 प्लस 8, इसका टोटल है 15। अब 15 में से 3 माइनस करने का प्लस 8 करने का, सॉरी प्लस 6 करने का, 15 माइनस 3 प्लस 6 आएगा 18। फिर 18 में से 4 माइनस करने का और प्लस 7 करने का तो आएगा 21। फिर 21 में से 8 माइनस करने के और प्लस 11 करने का तो आएगा 24। फिर 24 में से 8 6 माइनस करने का और प्लस 9 करने का आएगा 27। फिर 27 में से 7 माइनस करने का और प्लस 10 करने का आएगा 30। 30 में से 11 माइनस करने का और प्लस करने का 14 आएगा 33। ये लास्ट होगा। अब इसके बाद 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए कितने साल का टोटल था उससे डिवाइड करेगा अपने, 15 डिवाइड बाय 3 तो आएगा 5, 18 डिवाइड बाय 3 आएगा 6, 21 डिवाइड बाय 3 7, 24 डिवाइड बाय 3 8, 27 डिवाइड बाय 3 9, 30 डिवाइड बाय 3 10 और 33 डिवाइड बाय 3 11। और लास्ट कॉलम में डैश ऑटोमेटिक आ